हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा सपना की लाइव देखी। वीडियो के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, अभी लाइव के बारे में बात करेंगे। सपना की लाइव देखी और लाइव से काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले हैं। किस तरीके से सपना ने वो सब चीज़ें झेली है, क्या उनके साथ हुआ और आखिरकार उनको घर क्यों छोड़ना पड़ा। सपना की स्टोरी सुनाने से पहले मैं एक बात बताती हूँ आपको। दरअसल मैं जहाँ रहती थी ना, पहले हम जहाँ रहते थे, हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, उनकी लड़की के साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, उनके हस्बैंड चले गए, तो उनका एक बच्चा भी था, बच्चा था उस लड़की का, आई थिंक यही लगभग 1.5-2 साल का बच्चा था, लड़का था। तो उनके घर वालों ने कहा, जब इन्होंने आंटी ने कहा कि भाई हम अपनी लड़की को ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारा बेटा है, हमारा मतलब पोता है, हमारा सहारा है, हम इसको अपने पास रखेंगे, ये है वो है, क्योंकि वो माँ का दूध पीता था। अब क्या हुआ, उन्होंने उसको रख लिया। बहू भी खुश कि भाई चलो तुम्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई औरत ऐसा नहीं होती जो अपने बच्चे को छोड़ के किसी और आदमी से शादी करना चाहे। ये सच्चाई है, अपने बच्चे को कोई नहीं छोड़ना चाहती जब तक मजबूरी ना हो। उसके बाद में चीज़ें शुरू हुई, जैसे ही 2 महीने निकलने शुरू हुए, और उन्होंने क्या कहा उसे लड़की को कि भाई तू इसे बच्चों को ना दूध पिलाने की वैसे आदत डाल दे। अब 1.5 साल का बच्चा ऊपर का दूध पीने भी लगता है पर ज़्यादा नहीं पीता। फिर उसको दादी ने अपने पास सुनाना शुरू कर दिया। माँ को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उसके साथ में। अब ये सब चीज़ें जब हो रही थी उस वक्त, वो अपनी माँ से तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चलती थी। वो जैसे यहाँ पर आती, उसको पहले तो आने नहीं दिया जाता, उसके साथ में मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होने लगी। उसको इतना ज़्यादा परेशान किया गया, ना तो उसको यूँ कहा गया तो घर छोड़ के चली जा, ना उसे यूँ कहा गया तो बेटा यहाँ छोड़ के चली जा। वो बहुत 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 परेशान हो गई जब उसने कहा कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ बेटे को लेकर। तो उन्होंने सीधा बेटा उनके गोद से छीना और उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं, और ये एक एग्जांपल नहीं है, बहुत से ऐसे हैं कि जो पहले जब बेटा एकदम जाता ना तो इमोशंस में कहते थे नहीं हम तो बेटी को बहू को बेटी बना के रखेंगे, और फिर उनके साथ में मिसबिहेव शुरू हो जाता है और फिर उनको निकाल दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सपना को खाली करने की प्लानिंग हो रही थी ये 1 साल से। अब वो चीज़ प्रूफ भी हो गई, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही कोई बोल रहा होगा, ये हो रहा होगा, लेकिन जो दिखती है चीज़ें उस पर तो यकीन करना चाहिए ना। मैंने कहा था ये बात कि वो जो 25 लाख रुपए ने पता था कि राजीव जी के नाम पे है, पहले वो ले लिए गए, सपना के प्लॉट बिकवा दिए गए, इसका जो यूट्यूब से पैसा आता था वो ले लिया गया, ज्वेलरी तो ऑलरेडी उनके पास में रखी थी, सब चीज़ें इसकी ले ली गई। अगर जब ये खाली हो गई, उसके बाद में इसके साथ में मिसबिहेव शुरू हो गया। जो मिसबिहेव शुरू हो गया, अनलिमिटेड हो गया, तो भाई उसको क्या करना था। और एक सहारा उसके पास पड़ा था जिसको बार बार छीनने की कोशिश की जा रही थी, अंशु को बार बार छीनने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो लड़की डटी रही इनके साथ में, तो इनको ये भी प्रॉब्लम होगी। आखिरकार उसको उसके घर भेज दिया। अब अंशु के बारे में ये पता चला कि अंशु का एडमिशन वहीं पे हो गया, उसके माँ बाप के पास में वहीं पे एडमिशन करवा दिया है। यहाँ पे सास ससुर की एक नई चीज पता चली है कि भाई ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, क्या गोद ले रहे हैं लड़का या किसी का अपने रिलेटिव का लड़का गोद ले रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ में मैंने पहले बताई थी कि अगर इनके घर में 2 बेटियों की जगह एक उनमें से बेटा होता ना, तो ये कभी अपनी बहू को बाहर ना निकालते, क्योंकि ये लोग उसी सोच के हैं, जो कि पता चल चुका है कि बेटियां तो पराया धन है। ये चीज़ें तो तभी पता चल गई थी जब सपना के साथ ये चीज़ें हो रही थी, किस तरीके से उसको रखा जा रहा था, ये चीज़ें तो तभी पता चल गई थी। लेकिन हम पब्लिक हैं, हम इतने खुल के कुछ चीज़ नहीं बोल सकते, रिएक्शन वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलेंगे, पर चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी कि किस तरीके से उसको खाली करने की कोशिश की जा रही थी। जब वो पूरी खाली हो गई तो उसको निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया कि उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ा, उसको इतना प्रताड़ित किया गया। ये क्या है, उसकी माँ को गाली देना, उसको गाली देना। आई थिंक वो चीज़ें भी अब क्लियर हो गए, जो चीज़ें बोली जा रही है ना, क्यों सूरज जी की रिकॉर्डिंग शेयर की है, क्यों ये की है। भैया उसको गालियां पड़ती थी दिन रात, कौन सहन करेगा। और सपना ने यही बोला है कि पी के गालियां देते थे और सुबह को फिर बेटा 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 बेटा। और आई थिंक जिस दिन सपना वहां से घर छोड़ के आई थी, उनको पता चल गया था रिकॉर्डिंग करेगी, तभी वो बेटा बेटा निकल रहा था मुंह से, तभी ये चीजें निकल रही थी मुंह से।
हम ये नहीं कहते कि उन लोगों से तुम नफरत करो या कुछ करो, लेकिन उनकी वजह से सपना को नफरत करना या हेट देना वो चीजें गलत है। लोग बोलते हैं सास ससुर का पक्ष सुनो, ससुर का पक्ष सुनो, वो तो खुद कह रही है भाई आके बोलो, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे क्योंकि इसके पास सारे सबूत है, उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या है उस लड़की के पास में? आज दो बच्चे जिनको गोद में दे के थमा के निकाल दिया। एक बार जरा अपनी बेटी को वहां पर ला के देखो, एक बार जरा अपने आप को वहां पर ला के देखो कि उस पर क्या बीत रही होगी। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल सोच सुने हैं, यार बेटे चले गए, माँ बाप अकेले रह गए, बेचारे पाल रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। लेकिन इनके पास तो सहारा था ना, सहारा था, इन्होंने वो सहारा भी लेने की कोशिश नहीं की। रीजन वो कि उनके उसके गोद में दो लड़कियां थी उसके साथ, इसलिए इस तरीके का बिहेव हुआ। अगर उसके पास में लड़का होता तो कभी ना दिया जाता। ये है तो है समाज, लड़का जरूरी है इनके लिए क्योंकि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वही लड़की थी जिसने आज तक तुम्हारे घर की इज्जत बचाई है, वरना ये इज्जत तो कब की उड़ चुकी होती। एक चीज और सामने आई है कि राजीव जी ने सपना से अपनी मर्जी से शादी की थी, इनकी सास नहीं चाहती थी शादी हो। सपना से जब सपना की शादी हुई थी 15 लाख दहेज लिया गया था। जो जो लोगों को बोलते ना गरीब है गरीब है गरीब, घर की बेटी लेके आए हैं, 15 लाख दहेज दिया था, वो भी लड़का जब कुछ करता नहीं था। इस लड़की ने सारी बातें छुपाए अपने घर वालों से, बहुत बड़ी गलती की। लेकिन क्या करती 18 साल की वो लड़की जिसका रिश्ता आया उसके घर वालों ने तय कर दिया। घर वालों पे इतना बजट नहीं था, फिर भी घर वालों ने सोचा लड़की खुश रहेगी, किसी ना किसी तरीके से अरेंजमेंट किया, लड़की की शादी की। जब लड़की को पता चला लड़के के पास तो नौकरी भी नहीं है, ये सब चीजें हालात जो दिख रहे हैं वो नहीं है, लड़की क्या करे? अपने माँ बाप को बताया कि तुमने जो 15 लाख रुपए दिए थे वो भी किसी की नल्ले को दे दिया, ऐसी जो काम ही नहीं करता। तो ये थोड़ी सी चीजें अजीब सी लगने वाली है, इन चीजों को सोच कर देखो। और इन सिचुएशन में सच में कोई भी समझदार लड़की होगी ना, वो यही करती है कि छोड़ यार माँ बाप को क्यों बताया कि पति नौकरी नहीं करता। रीजन ये होता है कि इतना पैसा माँ बाप लगा चुके हैं, अब क्या करेगी, माँ बाप कितने दुखी होंगे अगर वो घर जाएगी तो। लड़की डरती है घर जाने से, दूसरी शादी करने से, किसी को शौक नहीं होता दो दो शादी करने का। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि सहना सबसे बड़ी गलती है, पर करे भी तो क्या करे। एक तरफ दिख रहा है माँ बाप ने इतने हालातों में इतनी अच्छी तरीके से शादी की है, दूसरी तरफ दिख रहा है कि उनको धोखा दिया गया है। लड़की करे तो क्या करे, वही सिचुएशन उसके साथ में बनी है। आज बहुत सी चीजें इनकी वीडियो में क्लियर हुई है। एक चीज और मैं बता दूं, जो सवाल काफी दिनों से उठ रहा था, जैरी और ओगी कहाँ हैं? दोनों ही अपने जो इनके सास ससुर हैं उनके पास में हैं, जैरी भी ओगी भी, इंक्लूडिंग जो ओगी है वो आज की वीडियो जो सपना ने डाली है अपने सास ससुर की स्कूटी को पूजा करते वो दिखी है। और अगर बात करूँ जैरी की, तो जैरी की ऑलरेडी सपना कुछ टाइम पहले वीडियो डाल चुकी है, जैरी की तबीयत खराब हो रही है। जैरी 10 साल का हो चुका है जिसकी वजह से उनकी कैल्शियम की कमी हो रही है, ऊपर से उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, 100 से ऊपर है, तो उनको उसको कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से उसको इंजेक्शन और दवाई दी जाती है और वो अधिकतर लेटा रहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता वीडियोज़ में, पर वो है उन्हीं के पास में। तो अब तो उम्मीद करते जिनको इंसानों की कदर ना हुई वो उन बिचारों की क्या कदर कर लेंगे। खैर अभी तो उम्मीद ही की जा सकती है कि सब कुछ सही होगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।